भारत को सोने की कही जाने वाली चिड़िया का सोना आखिर गया कहाँ? कौन ले गया सोने को? आखिर कहाँ है वह सोना जिससे भारत को कभी सोने की चिड़िया का खिताब मिला था? दोस्तों, जब भी हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले एक ही बात हमारे दिमाग में आती है कि हमारा प्यारा भारत कितना अमीर था, कि जितने भी आक्रमणकारी थे सबका पहला निशाना भारत ही था। और क्यों वह चाहते थे भारत को लूटना, और आखिर भारत से लूटा क्या क्या गया है? एक रफ आइडिया लगाएं तो प्राचीन काल में भारत को जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो कि 1600 ईस्वी के आसपास के प्रति व्यक्ति की जीडीपी 1305 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि दोस्तों उस समय के अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन से भी अधिक थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लगता है आपको कितनी कीमत तक का सामान लूटा गया है भारत से अंग्रेजों द्वारा, तो सबसे पहला नाम क्या आएगा आपके जहन? दुनिया में रह रहे किसी भी भारतीय से अगर यह पूछा जाए, तो सबसे पहला नाम उसकी जुबान पर हमारा बेशकीमती हीरा कोहिनूर ही होगा। तो बस दोस्तों, आज हम आपसे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कोहिनूर जैसी ही कुछ बेशकीमती चीजें जिन्हें अंग्रेज यहां से लूट कर ले गए, और आज उन्होंने इसको म्यूजियम में रखकर अपने देश की शान बढ़ा रहे हैं। यह ब्रिटिश म्यूजियम म्यूजियम नहीं बल्कि लूटपाट का घर है, क्योंकि यहां मौजूद लगभग सारी वस्तुएं ही दूसरे देशों से चुराई गई, और फिर भी इसे बहुत बेशर्मी से ये अंग्रेज दुनिया को दिखा रहे हैं और अपनी तिजोरी भर रहे हैं। तो बहुत हो गई बातें, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला नाम जो इस लिस्ट में आएगा वह है कोहिनूर का, जिसका नाम सुनते ही भारतीयों के दिलों में यह बात खंजर की तरह चुभती है, क्योंकि यह हीरा हमारे इतिहास के पन्नों में से ही हमारी प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बना हुआ है, जिसे 13वीं सदी में काकटिया डायनेस्टी के राज में खोदकर निकाला गया था। इसके बाद इस बेशकीमती हीरे पर नजर पड़ी अलाउद्दीन खिलजी की, शाहजहां और बाबर जैसे कई सुल्तान की, जिसके बाद आखिर में यह पहुंचा 19वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह के पास। लेकिन फिर उनकी मृत्यु के बाद इस कीमती हीरे की जिम्मेदारी राजा रंजीत सिंह के बेटे महाराजा दुलीप सिंह के पास पहुंची, जो कि सिर्फ 11 वर्ष के ही थे। अंग्रेजों की नजर तो इस पर काफी समय से थी ही, और जैसे ही उन्हें पता चला महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु का, अब उन्हें पता था उनके लिए रास्ता साफ है, क्योंकि अगले राजा सिर्फ 11 वर्ष के थे। तो इन चालाक अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाया और कूटनीति से राजा दुलीप से लाहौर संधि पे दस्तखत करवा लिए। यह संधि कोई ऐसी वैसी नहीं थी, इसमें अंग्रेजों ने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया कि उनको कोहिनूर चाहिए, और इस तरह कोहिनूर अंग्रेजों ने चालाकी से ले लिया। इस संधि में सिर्फ कोहिनूर ही नहीं बल्कि और भी काफी सारे बेशकीमती जेवर और जवाहरात थे, जिसके साथ एक काफी अनोखी चीज भी थी जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पर उससे पहले बात करते हैं मैसूर के शासक, जिनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था, टीपू सुल्तान की। उनकी तलवार और सोने की अंगूठी भी उन मूल्यवान वस्तुओं की लिस्ट में शुमार है जिसको अंग्रेजों ने लूटा था। तो दोस्तों, पहले इनकी तलवार के बारे में बता दें कि इनकी तलवार इतनी तेज थी कि कहा जाता है कि अगर किसी ने लोहे का कवच भी पहना हो तो यह उसे भी चीर सकती है। इस तलवार की चमक अंग्रेजों की आंखों में बस चुकी थी। तो जब अंग्रेजों की लड़ाई हुई मैसूर के अंतिम राजा से, और जिसके बाद उन लोगों ने टीपू सुल्तान की अंगूठी और तलवार छीन ली थी, हालांकि दोस्तों आपको बता दें, विजय माल्या ने 2004 में ही 1.57 करोड़ रुपए की नीलामी में खरीद लिया था इस तलवार को, और यह भारत लौट के वापस आ गई। लेकिन अब अंगूठी का क्या, कहाँ है वह अंगूठी? यह बताने से पहले कि वह अंगूठी कहाँ है, पहले हम बता दें कि क्या खास था उस अंगूठी में, क्यों सबकी नजर में चढ़ चुकी थी वह अंगूठी। यह सोने की अंगूठी कोई आम अंगूठी नहीं थी, बल्कि इस अंगूठी पर देवनागरी लिपि में राम अंकित होने की वजह से यह प्रसिद्ध थी, और कहा जाता है कि उनकी मौत के बाद ब्रिटिश जनरल ने यह उनके शव से निकाल ली थी, जो कि आज भी ब्रिटिश के एक म्यूजियम में रखी हुई है। मजे की बात बताएं दोस्तों आपको, कि चीजें ही नहीं बल्कि लूट शब्द भी भारत से ही चुराया इन अंग्रेजों ने। दोस्तों, वह कहते हैं ना, लालच की कोई सीमा नहीं होती, और यह सच तब साबित हो गया जब आज तक अंग्रेजों ने सही तौर पर यह बताया ही नहीं कि आखिर उन्होंने कितना लूटा है भारत को। तब नजर में आई जब मई 2022 में न्यूयॉर्क में हुए मेट गेला में अमेरिकी यूट्यूब एमा चैम्बरलैन ने एक हीरे का हार पहना हुआ था। वह हार कोई ऐसा वैसा हार नहीं था, बता दें यह हार किसी समय में पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह का था।
और जैसे ही इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो मानो तूफान ही मच गया, क्योंकि आज तक किसी को खबर ही नहीं थी कि कहां है यह महाराजा का बेशकीमती हार। दोस्तों, एक चौंकाने की बात बताएं, कहा जाता है कि आज ब्रिटेन के जिस म्यूजियम में यह लूटपाट का सामान दिखाया जा रहा है, वहां आज भी 90% चीजें तो डिस्प्ले पर लगाई ही नहीं गई है, और किसी को यह अंदाजा भी नहीं है कि आखिर कितना लूटा था इन अंग्रेजों ने भारत को पिछली सदी में। दोस्तों, एक बात और कहा जाता है कि जो सामान भारत से लूटा गया है उसकी आज कीमत लगभग 45 ट्रिलियन रुपए है, जो कि अमेरिका की 2 साल की GDP के बराबर है। और सोचिए, अगर आज यह सारा सामान भारत में होता तो हम इसे कितनी शान से दिखा सकते अपनी आने वाली पीढ़ियों को और बता सकते क्या था भारत का इतिहास। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।